हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पर बनने जा रही है वेज बिरयानी, जिसके लिए मैंने मटर बॉयल कर ली है। और ये मेरी भांजी की रेसिपी है, वो बहुत जिद कर रही थी। तो बाकी मैंने तो कभी बनाई नहीं वैसे इसी टाइप से, और मैंने वेज बिरयानी बनाई भी है तो अलग तरीके से बनाई, और ये उसका ही तरीका है। वो बता रही थी ऐसे करो मामी, ऐसे करो। तो बस यहाँ पर मटर बॉयल हो गए, तो जिस पानी में मटर बॉयल हो गए हैं उसी में अब हम डाल देंगे सोयाबीन की बड़ी। ये और ये बड़ी ना बहुत ही हेल्दी होती है, इसकी सब्जी बनाओ या किसी भी तरीके से खाओ तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, और इसमें अधिक से अधिक फाइबर भी होते हैं, तो ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। तो इसको गर्म पानी में डाल देंगे बस, और ये बड़े अच्छे से फूल जाएगी। फिर इसको थोड़ा हाथ से दबा दबा के इसको निचोड़ लेंगे तो इसका पानी सारा ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए ऐसे इसको अलग रख देंगे, बाकी आगे का प्रोसेस करते हैं। और तब तक टाइम हो रहा था शाम का, क्योंकि 3-4 बज रहे थे, तो चाय आए सबकी हो गई। उसके बाद मैंने इसमें जो बासमती राइस आता है लंबा वाला राइस, तो उसको पानी गरम बॉयल करने रखने के बाद, जब पानी खूब बॉयल हो गया है थोड़ा थोड़ा, उसके बाद उसमें डाल देंगे चावल। तो चावल को इसी तरह से पकाना है, सीटी लगा करके नहीं। और यहाँ पर मैंने ले लिए खड़े मसाले, जिसमें तेज पत्ता और एक स्टिक दालचीनी की स्टिक और काली मिर्च, लौंग, खड़ी मिर्च लाल, ये सब चीज़ें ले ली है। उसके बाद हम पनीर को यहाँ पर तल लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक पनीर को तलेंगे, फिर प्याज को तलेंगे। तो आपने देखा ही, मटर भी बॉयल हो गई है यहाँ पर, और थोड़ा सा नमक ऊपर से छिड़क देंगे। और यहाँ पर बस सोयाबीन का पानी निकाल करके बड़ी का, और फिर इनको थोड़े से तेल में हमें तलना है, क्योंकि ये सारा तेल पी लेंगी तो हमें थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस भी रहना है कि कम से कम ऑयल में सारी चीज़ें बन जाएँ, तो मुझे उस हिसाब से ही करना है। फिर अब हम इसमें देने जा रहे हैं तड़का, जो तो हमने जो खड़े मसाले रोस्ट किए थे उनको हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस आप देखिएगा कि अब क्या होंगे। और वेज बिरयानी ना बहुत ही अच्छी बनी थी, काफ़ी टेस्टी बनी थी, तो आप एक बार ज़रूर बनाकर दे ट्राई करिएगा। और उसके बाद हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में। और साथ में ही अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करिएगा, और ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें और आप हमारे वीडियो का लुत्फ़ उठा सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो रहा है, और ये मसाला है वेज बिरयानी का, जिसको हमने अच्छे से पानी में घोल लिया है। तो कोई भी मसाले अगर पानी में घोल के डाले जाएं तो उनका फ्लेवर अच्छे से आ जाता है। उसके बाद हमने जो मटर और पनीर को फ्राई किया था वो भी हम डाल देंगे, आपस में अच्छे से घुल मिल जाए। और ये बड़ी ना थोड़ी सी ज़्यादा पड़ गई थी, और बिरयानी हमने काफ़ी ज़्यादा बनाई थी, इसलिए हमें 2 राउंड में बनानी पड़ी, क्योंकि हमारे पास ना बड़ी कढ़ाई नहीं है, यही साइज़ की है, और दो बार बनाई तो सबका फिर हो गया, सब लोगों ने मतलब खा लिया। और ये देखिए हमारी वेज बिरयानी लगभग बनकर तैयार है। तो अब और जो हमने इसमें प्याज तला है ना एकदम क्रांची वाला, तो वो अब इसके बाद लास्ट में जाएगा। और इसको सबको करने के बाद अच्छे से ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए, ताकि मसाले आपस में ही अच्छे से हो जाएं, घुल मिल जाएं, ताकि स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। बस इसको हमने ढक दिया है, अब हम ऊपर से थोड़ा सा सूखा वेज बिरयानी मसाला डाल देंगे, तो बस हमारी वेज बिरयानी बनकर तैयार
तैयार है। आप इसको चाहें तो दही के साथ या फिर चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, और चाहें तो इसमें कुछ कलर वगैरह तो मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और मुझे कोई भी दिखावा नहीं करना है इसीलिए। और अगर आपको कलर डालने की इच्छा करे तो थोड़े से चावलों में कलर करके इसमें मिलाइए तो काफ़ी अच्छा सुंदर भी लगेगा। तो ये देखिए हमारी वेज बिरयानी बनकर तैयार है, तो जिसको जिसको खानी है तो हमारे यहाँ आ जाइए और आप वेज बिरयानी का स्वाद ले लीजिए। काफ़ी टेस्टी बनी थी ये, तो मैंने कहा एक नई रेसिपी है तो उसको ट्राई कर लिया जाए। उसके बाद आज मेरी दीदी जा रही हैं तो उनके लंच के लिए भी काफ़ी कुछ हमने तैयार किया। और ये आप देख रहे हैं ये मैं डाल रही हूँ इनको कोचा, हमारे यहाँ डाला जाता है। और ये मेरी भांजी देखे मस्ती है, तो थोड़ा उसमें चावल, गुड़, पैसे और मतलब सिंदूरदान ये सब चीज़ें की जाती हैं कि घर हमारा भरा पूरा रहे। कोचा डालना बहुत ही ज़रूरी है, जब भी बहन बेटी कहीं जाती है तो ऐसे ज़रूर किया जाता है, तो वही बस मैं कर रही हूँ। और ये ना सूप में किया जाता है, सूप आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मेरे पास ना सूप है नहीं तो इसलिए मैंने ऐसे ही कर लिया है। तो इनकी विदाई होने वाली है तो भाई विदाई दाई करना ज़रूरी है। तो बस दीदी की रात की 11:30 की ट्रेन थी तो ये 10:30 पे 11 पे निकल गए थे। और ये दूसरे दिन की सुबह है, वैसे तो मैंने मेड लगा ली है आपको पता ही होगा, और क्योंकि इतनी तकलीफ़ में नहीं कर सकते, लेकिन घर इतना ज़्यादा गंदा था कि मुझे आज है प्रदोष व्रत, मुझे व्रत करना था तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी झाड़ू वाड़ू मैं खुद ही कर लूं और वो आएगी तो पोछा लगा देगी, तो इसलिए मैंने झाड़ू खुद मतलब अच्छे से पूरी लगाई क्योंकि उतना अच्छा वो लोग कर नहीं पाते। तो और मुझे मेन चीज़ पूजा भी करनी थी तो इसलिए मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लूँ फिर नहाने के लिए जाऊँ। तो मैं आप देख रहे हैं बैठे बैठे झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मेरे खड़े होकर के मेरे को झुकना मतलब मेरे को रीढ़ की हड्डी में जोर नहीं देना है, मेरे उसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। आप सबको पता ही है कि मैं 2-2 बार एडमिट हो चुकी, एक बार ऑपरेशन के लिए, एक बार दूसरी प्रॉब्लम हो गई। तो कई बार ऐसा होता है ना, जो चीज़ आप ना सोचो वो हमारे साथ हो जाता है परेशानी। तो बस मैं बैठे बैठे ऐसे ही धीरे धीरे झाड़ू थोड़ा सा अच्छे से निकाल दूँगी पूरा अंदर से, क्योंकि बच्चे घर में अकेले थे 1 हफ्ते के लिए, फिर मेहमान तो घर काफ़ी मतलब गंदा हो रहा था और मेरा तो जी नहीं मान रहा था, ये लग रहा था मैं खुद ही पोछा भी लगा लूँ अच्छे से, लेकिन मैं बस झाड़ू लगाने में ही मेरे एकदम कहते नहीं तबीयत बिगड़ने लग गई, तो बस झाड़ू लगाई, उससे ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया। बस ना कामना हेतु यदि हो विचार शुद्ध शनि प्रदोष परायण करें सुशक्त विशुद्ध। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में सेठ धन दौलत कहते हरि हरि स्वामी हरि जय पावे ओम जय शिव ओंकार स्वामी हरि शिव। पर व्रत का नाश्ता चाय पानी हो चुका है और मखाने तल लिए थे मैंने व्रत में, और उसके बाद मम्मी और मेरी सासू माँ और बच्चे यही सब लोग खाना खाएंगे। तो थोड़ी सी पाव भाजी रात की बची हुई थी तो पाव भाजी खाएंगे, और बाकी थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो मैंने कहा खिचड़ी बना दे क्योंकि खिचड़ी वगैरह दिन में अभी धूप ऊप हो जाती है ना और नई नई सब्जियाँ आ रही हैं तो अच्छी लगती है। तो बस मैंने इसी तरीके से, गोभी था नहीं हमारे पास तो आलू मटर टमाटर सब डाल के और खिचड़ी बना दी, और बच्चे भी बड़े आसानी से खिचड़ी वगैरह खा लेते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, आप सबको गुड मॉर्निंग। और अभी सबका नाना धोना हो चुका है और दीदी तो जा चुकी हैं कल, दीदी और आयुषी चली गई है। तो अभी आज है व्रत, प्रदोष व्रत, तो पूजा पाठ सब कुछ मेरा हो चुका है और मैंने मम्मी और दोनों मतलब बच्चे यही लोग खाना वाना खाएंगे, और कल की ना पाव भाजी थोड़ी सी बची हुई रखी तो बस भाजी वाजी गर्म कर देंगे तो उसका हो जाएगा नाश्ता, और बाकी खाने में आज बनाई गई है खिचड़ी क्योंकि कम लोगों को खाना है तो उसी हिसाब से मतलब मैंने बना लिया है। और तकलीफ मुझे बहुत हो रही है अभी मतलब मेरे को ना झुकने उकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सर दुखने लगता है। और मैंने पता है आज कितने दिनों के बाद की थी आरे कुकर में, गैस बंद कर दो, गैस इनसे मैं गैस बंद कराऊँगी आज। तो बस सब कुछ हो चुका है, मैंने कहा आज आप लोगों से बात कर लूँ, बहुत दिन हो गए हैं कोई बात हुई नहीं थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही थी,
क्योंकि मेरी DNC हुई है, तो उसमें आप समझ सकते होंगे कि तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। तो बस यही है, ज़्यादा कुछ तो नहीं, कुछ नया तो हम आपके लिए अभी फ़िलहाल नहीं ला पा रहे हैं। वीडियो भी बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा है, थोड़ा बहुत बन रहा है, कुछ बन रहा है कुछ नहीं, ऐसे ही हो रहा है। लेकिन आज थोड़ा सा घर की और थोड़ी बहुत सफाई वफाई की है, ज़्यादा कुछ तो नहीं किया। तो आप बने रहिए वीडियो में, और क्या क्या होगा आप हमारे वीडियो को एंजॉय करिए। चलिए मिलेंगे फिर हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड डे, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।